मंडी जिला के विकास खंड सुंदरनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांभी के गांव मजरोट में 3 परिवारों का लाखों का नुकसान हो गया है। हादसे में गांव मजरोट की बीपीएल परिवार से संबंधित गीता देवी की गौशाला व शौचालय को नुकसान और अन्य 2 परिवारों की कई बीघा भूमि व पेड़ मिट्टी में मिल गए हैं। मौके पर तबाही देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नुकसान बादल फटने के कारण हुआ है, जिस कारण पानी के तेज बहाव के कारण पहाड़ी का मलबा बहकर लोगों के रियासी इलाकों में आ गया है। लेकिन मौके पर तबाही जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जैन इरिगेशन कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन सिंचाई योजना में अचानक पानी की सप्लाई देने के कारण हुआ है। विभाग और इस तबाही में गीता देवी, अजय कुमार और तारा चंद धीमान की भूमि और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों ने प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और नुकसान का उचित मुआवजा भी देने की मांग उठाई है। मैं गिरजा देवी गांव में जरोट चांदी से रहने वाली हूँ। पिछली रात को जो सिंचाई वाली पाइप आई थी उन्होंने इससे वो अचानक फट गई और उससे पानी आ गया और हमारा लाखों का नुकसान हो गया। इस जिन्होंने वो पानी छोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैं IRDP से संबंधित हूँ। जो विभाग IPH वाले विभाग की लाइन जो बिछ रही है ये हमारे खेत से फाट से होके जा रही है और रात को किसी ने अचानक यहाँ जो है पानी छोड़ दिया है और जिससे जो है हमारे यहाँ बड़ी तबाही मच गया है। 1.5-2 बीघा जो ज़मीन है मेरी चली गई है, इसमें नींबू के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, वो भी सारे चले गए हैं। नीचे एक किसी का किचन था उसमें भी पानी घुस गया है, दीवार फट गई है उसकी भी, और हर जगह से ये जो है पॉइंट लीक हो रहे हैं। इनमें मतलब ना ढंग से दबाया गया है इस लाइन को, ना ये किसी को बताया गया कि यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ चैम्बर रख रहे हैं। मैं गांव मजरोट चांभी का स्थायी वासी हूं और पिछली रात को जैन इरिगेशन की जो लाइन बिछी है जिसका कार्य अभी अधूरा है उससे रात को जो है पानी आना शुरू हो गया अपने आप। तो लोगों के खेत और घास के फाट, रसोई और गौशाला, उनका जो है नुकसान हो गया। मैं आज मौके में मजरोट गांव में आया जिसमें मैंने भारी जो सिंचाई योजना जो जयदेव बी चिरडी से आती है जो मजरोट गांव को जो है सिंचित होती है ये रात के समय या पाइपलाइन कहीं से फट गई, इस वजह से 3 लोगों के मकानों व गौशालों व शौचालय को भारी नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। एक गिर जाए जो है ये IADP परिवार से संबंध रखती है तथा अति गरीब परिवार से संबंध है। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।